नमस्कार दोस्तों, आखिर राजस्थान रॉयल्स के किस खिलाड़ी को हुआ है कोरोना, उसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी बताऊंगा। लेकिन आप आईपीएल 2020 को और राजस्थान को पसंद करते हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब दोस्तों बात करते हैं कि इंडियन प्रीमियर लीग की फ्रेंचाइजी राजस्थान रॉयल्स के फील्डिंग कोच दिशांत याग्निक का कोविड 19 टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद टीम ने बुधवार को अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट के जरिए ये जानकारी दी। ट्वीट में कहा गया कि हमारे फील्डिंग कोच दिशांत याग्निक का फ्रेंचाइजियों द्वारा करवाया गया था टेस्ट और अतिरिक्त कोविड 19 टेस्ट पॉजिटिव आया है। अभी तक बाकी सभी टीमों के सदस्यों के टेस्ट के नतीजे नेगेटिव है। टीम के आधिकारिक बयान में कहा गया है कि ये टेस्ट यूएई जाने वाली फ्लाइट पकड़ने से पहले खिलाड़ियों को मुंबई में इकट्ठा करने से पहले किया गया था। सुरक्षा निश्चित करने के लिए फ्रेंचाइजियों ने खिलाड़ियों के सपोर्ट स्टाफ और मैनेजमेंट स्टाफ का बीसीसीआई द्वारा कहे गए दो कोविड 19 टेस्ट के अलावा एक और अतिरिक्त टेस्ट कराया गया था। बयान में आगे कहा गया कि दिशांत फिलहाल उदयपुर में अपने घर में हैं और उन्हें 14 दिन के क्वारंटीन के लिए अस्पताल में भर्ती होने की सलाह दी गई है। 14 दिन के बाद दिशांत बीसीसीआई के प्रोटोकॉल के मुताबिक दो और टेस्ट देंगे। उनके नतीजे नेगेटिव रहने पर दिशांत को 6 महीने के सेल्फ आइसोलेशन और यूएई पहुंचने के बाद होने वाले 3 टेस्ट नेगेटिव आने के बाद टीम से जुड़ने की अनुमति दी जाएगी। राजस्थान फ्रेंचाइजी ने दिशांत के संपर्क में आने वाले सभी लोगों ने आइसोलेशन में रहने का निवेदन किया है और बयान के मुताबिक हम पिछले 10 दिनों में दिशांत के संपर्क में आए सभी लोगों से खुद को 10 दिन तक आइसोलेट करने के और कोविड 19 टेस्ट करवाने का निवेदन किया है। हम इस बात की पुष्टि करते हैं कि राजस्थान रॉयल्स या कोई और आईपीएल खिलाड़ी पिछले 10 दिनों में दिशांत के संपर्क में नहीं आया है। हम दिशांत के जल्द से जल्द स्वस्थ होकर यूएई में रॉयल कैंप से जुड़ने का कामना करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर देना, क्योंकि मैं ऐसी क्रिकेट जगत की खबरें लेकर आता रहता हूँ।